गुड आफ्टरनून बच्चों। तो देखिए बच्चे लोग होशियार है ना। हाँ, यहाँ पे ध्यान दो। तो हमने शुरू किया था पड़कू की शूज। पड़कू की शूज क्या है? शूज यानी कि समझदारी। पड़कू यानी एक पढ़ा लिखा हमेशा किताब में रहने वाला इंसान, उसे पड़कू कहते हैं। उसके बारे में हमने जान लिया है। एक आदमी रहता है, उसके पास एक बैल रहता है और वो कोलू चलाता है। कोलू क्या होता है? एक लकड़ी का ऑयल निकालने का यंत्र होता है पूर्वी के जमाने का। उसमें से सरसों या मूंगफली या तिल, इसका तेल या ऑयल निकाला जाता था। उसको बैल से चलाने वाला कोलू था। इस पड़कू को इसके बारे में कुछ नहीं मालूम था। वो सिर्फ पढ़ाई लिखाई में ही आगे था। उसको प्रैक्टिकली कुछ मालूम नहीं था। ये पोयम हमने पूरी तरह से पढ़ ली है। ये पोयम लिखी है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। इन्होंने तीसरी कक्षा में भी एक मिर्च क्या है, मिर्च का मजा, ऐसी पोएम लिखी थी। उसके बारे में भी हमें अभी जानना है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अपना टेक्स्ट बुक निकालिए और अभी हमें क्या देखना है, इसका प्रश्न उत्तर देखना है। क्या देखना है? प्रश्न और उत्तर। पूरी तरह से ये पोएम पढ़ के हुई है। मैंने आपको इस लिताशिका को बताया था कि ये पोएम तुम घर से पढ़ के आओ, यानी कि पढ़ना है। एक दो बार आपको पढ़ने के लिए कहा था। ये बाय हार्ट भी करना है आपको, ठीक है? तो अब हम देखते हैं इसके प्रश्न और उत्तर, सवाल है जवाब क्या होते हैं। उससे पहले कुछ शब्दार्थ मैंने दिखे थे। शब्दार्थ जो कठिन शब्द है उसके अर्थ हम मैंने आपको ठीक तरह से समझाया है, बोर्ड पे लिख के दिए थे। शायद आपने उसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। नहीं लिया है तो मैं नोट्स में भेज रहा हूँ, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो देखो विलोम शब्द क्या होता है? विलोम यानी के उल्टा, उसका विरुद्ध क्या होता है, उसका अपोजिट क्या आता है। सो इसके लिए हम मल्टीप्लाई ऐसे चिन्ह यूज करते हैं। आया समझ में? तो देखो सूज यानी समझदारी या सवेरा। हम क्या उससे बोलते हैं? समझदारी या सवेरा। समझदारी या सवेरा बोलते हैं। हो सके तो मेरे साथ लिखो, नहीं तो आपको ये लिखना है, बाद में स्क्रीनशॉट लिख के लिखो, नहीं तो मैं नोट्स दे रहा हूं। मालिक, मालिक का विलोम शब्द क्या होता है? नौकर। सही है। क्या होता है बोलिए मेरे साथ? नौकर। मालिक का विलोम शब्द होता है नौकर। अगर आपको नौकर दिया तो उसका आपको लिखना है मालिक। चलना, चलना का क्या होता है? अभी चल रहा है। चलना, रुकना। सही है, रुकना। चलना का विलोम अर्थ शब्द क्या होता है? रुकना। अभी क्या है? निश्चय। निश्चय करना यानी कि अपने मन में हम कोई बात का निश्चय करते हैं, यानी कि तय करते हैं। तो निश्चय नहीं करना मतलब अनिश्चयी, अनिश्चयी होना, सुस्त रहना, उसे बोलते हैं अनिश्चय। निश्चय, अनिश्चय। निश्चय का विलोम शब्द क्या आएगा बच्चों? अनिश्चय। याद करो ठीक से, ध्यान में रखो, एग्जाम में पूछा जाएगा ये विलोम शब्द। थोड़ा सा कठिन है, लिखने में भी कठिन है। अनि ह्रस्व दीर्घ श्च कैसा लिखा है देखो, निश्चय। निश्चय का विलोम शब्द है अनिश्चय। और आखिरी है तेज। तेज यानी तेजी से, स्फूर्तिला। जो कोई स्फूर्तिला होता है, जोश से काम करता है, अपनी चपलता दिखाता है, खेल में कोई चपलता दिखाता है या रेस में, दौड़ने के रेस में ज्यादा दौड़ता है, या आपकी दंगल दंगल यानी कि कुश्ती होती है, तभी कोई एक पहलवान एकदम ज्यादा तेजी से अपना खेल दिखाता है, उसे तेज बोलते हैं। यानी कि चपल होता है वो ज्यादा करके, उसे जब उसका विलोम क्या होगा? धीरा या सुस्ता, धीरा या स्लो। तो धीरे आएगा, इसका विलोम शब्द आएगा धीरे। तो क्या क्या लिखा विलोम शब्द देखो एक बार। सूझ, सूझ यानी कि समझदारी होती है या सवेरा होता है। मालिक यानी के नौकर, नौकर दिया तो मालिक लिखने का है। चलना दिया तो रुकना लिखना है, उसका विलोम शब्द। रुकना दिया तो चलना लिखना है। निश्चय, अनिश्चय, इसका तो अनिश्चय आपको नहीं दिया जाएगा,
निश्चय ही दिया जाएगा आपको, जरूर उसका एग्जाम में अनिश्चय ही लिखना है। तेज यानी के स्फूर्तिला होता है, उसका समान अर्थ होता है वैसे, और विलोम शब्द होता है तेज का धीरे। तो निकालो आपका आगे का प्रश्न उत्तर हम देखना शुरू करेंगे। आपका अपना अपना बुक निकालो और बुक में ध्यान दो। तो देखो बच्चों कैसा है, कविता में क्या आया है, कविता में यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्या क्या कैसे कैसे पढ़ते जाना है। पहला मुद्दा है अपने प्रश्न उत्तर का, कविता में कहानी, कविता में कहानी, पहला क्या है कविता में कहानी। तो कविता में कहानी क्या है, ये पड़कू की सूझ यानी कि पड़कू की समझदारी क्या है, वो कितना समझता है। देखो कविता में एक कहानी कही गई है, इस कहानी को तुम अपने शब्दों में लिखो। तो मैंने आपको इसका पूरा सरल सरल अर्थ क्या होता है आपको बताया है। तो आपको एक कहानी मैं एक बार जैसी मैंने लिखी है वैसे पढ़ के दिखाता हूँ, उसका नोट्स भी आपके पास आएगा। हाँ लेकिन वही वैसा ही लिखना नहीं है, तुम अपनी शब्द में अपनी भाषा में लिखो। तो देखो एक पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति था, क्या था, एक पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति था जो तर्कशास्त्र पढ़ता था। जहाँ कोई बात नहीं होती वहाँ भी वो कोई नई बात गढ़ता था। क्या करता था वो पड़कू, जहाँ कोई बात नहीं है वहाँ पे एक नई बात गढ़ता था, गढ़ लेता था। एक दिन की बात है, वह चिंता में पड़ गया कि कोलू में बैल अपने आप कैसे घूमता है। वह सोचने लगा कि जरूर इसके मालिक ने इसे कोई तरकीब सिखा दी होगी यानी कि कुछ आइडिया दी होगी। उससे रहा नहीं गया और उसने ये बात उसके मालिक से पूछी कि बिना देखे तुम कैसे समझ लेते हो कि कोलू में बैल घूम कैसे रहा है या खड़ा हुआ है, तुम बिना समझ कैसे समझते हो, बिना देखे कैसे समझते हो कोलू का जो बैल है वो घूम रहा है या खड़ा है, तुम कैसे समझते हो। तब मालिक ने जवाब दिया कि क्या तुम बैल के गले में बांधी घंटी देख नहीं पा रहे हो, और बैल के गले में जो घंटी बांधी है उसको देख नहीं पा रहे हो, तुम ऐसे कैसे सवाल कर रहे हो। जब तक ये घंटी बजती रहती है तब तक मुझे कोई चिंता नहीं है और चिंता रहेगी भी नहीं। जैसे ही इस घंटी से आवाज आनी बंद हो जाती है तो मैं दौड़ कर जाके बैल की पूंछ पकड़ता हूँ यानी कि बैल के पूंछ जाके मरड़ता हूँ, तभी वो फिर से चलना चालू होता है। तो ये आदत बैल को पहले से ही है। बच्चों आ रहे हैं ना समझ में, ये पोएम जैसी लिखी है वैसे ही मैं उसका अर्थ लिखा है। जैसे ही इस घंटी से आवाज आनी बंद हो जाती है मैं दौड़कर बैल की पूंछ पकड़ता हूँ यानी कि मरता हूँ। इस पर अभी देखो, इस पर पड़कू ने कहा तुम तो बिल्कुल बेवकूफ हो। क्या बोल रहा है मालिक को, तुम तो बिल्कुल ही बेवकूफ हो यानी कि पागल हो, एड़े हो, जैसी बातें कर रहे हो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बैल एक जगह खड़ा खड़ा अपनी गर्दन हिलाएगा और बैल क्या करेगा, तुम बिल्कुल बुद्धू हो, अगर बैल चलना बंद कर किया और एक जगह पे खड़ा है और अपना ऐसा ही सिर्फ गर्दन हिला रहा है तो भी घंटी बजेगी ना, तो तुम कैसे समझ पाओगे। बैल एक जगह खड़ा खड़ा अपनी गर्दन हिलाता रहे तुम समझोगे कि ये बैल चल रहा है, लेकिन शाम तक एक बूंद भी तेल नहीं निकल पाएगा, तभी तुम क्या करोगे। और ये बैल को अगर बुद्धि उसका दिमाग ऐसा चल गया और वो एक ही जगह पे रुक गया और सिर्फ गर्दन हिलाता रहा, घंटी तो बजती रहेगी और आप समझोगे कि अपना काम चालू है, लेकिन शाम को जाके देखोगे तो क्या होगा, एक बूंद भी तेल आप नहीं पाओगे, तब आप क्या करोगे। ऐसे ये पड़कू का दिमाग चल रहा है। इस बात पर मालिक हंसकर बोला, देखो मालिक हंस के क्या बोलता है, पड़कू से बोला जहां से तुमने ये ज्ञान सीखा है ना वहीं पे जाके अपना ज्ञान फैलाओ। अपना जो आप जो ये सीख के कहां से आए हो ना, ये ज्ञान, ये तर्कशास्त्र, ये जहां से सीख के आए हो वहां जाके ही फैलाओ, ये ज्ञान फैलाओ। यहाँ पर सब सही चल रहा है और मेरा काम काज सब जो चल रहा है
बैल भी अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, यहाँ पे सब जो जो भी है वो ठीक ठाक चल रहा है। यहाँ पे तुम अपनी टांग मत अड़ाओ, अपना जो ज्ञान है जहाँ से सीख के आया हो आए हो वहाँ ही जाके फैलाओ। उसके बाद देखो क्या होता है, यहाँ पर सब सही चल रहा है क्योंकि मेरा बैल अभी तक तर्कशास्त्र नहीं पढ़ पाया है। मतलब ये जो तुम्हारा तर्कशास्त्र है वो मेरा बैल को नहीं आता है, मेरे बैल वो नहीं जानता है। तो आगे देखो आगे क्या है, ये आपको कहानी लिखनी है। तो कविता में से कहानी, कविता में से कहानी कैसी बनी आपको अभी मैंने समझा है। अभी अगला है कवि की कविताएं, कवि की कविताएं। कवि की कविताएं, इसमें कुछ सवाल दिए हैं। देखो तीसरी कक्षा में तुमने रामधारी सिंह दिनकर की कविता मिर्च का मजा पढ़ी थी, अब तुमने उन्हीं की कविता पड़कू की सूझ, ये कविता तुमने तीसरी में पढ़ी थी, और आप तो आप कौन सी उनकी जो कौन है रामधारी सिंह दिनकर जी, इनकी कविता अभी अपने हमने कौन फोर्थ कक्षा में कौन सी पढ़ी है पड़कू की सूझ, इनकी ही एक और कविता हमने तीसरी कक्षा में पढ़ी थी, वो कौन थी मिर्च का मजा। तो वो कविता आपको अगर मिलती है तो फिर से पढ़ो, नहीं तो मैं एक बार आपको पढ़ के दिखाता हूँ। एक काबुली की कहते हैं लोक कहानी, लाल मिर्च को देख गया भर उसके मुंह में पानी, सोचा का अच्छे दाने हैं खाने में बल होगा, ये जरूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। और मिर्च क्या कैसी लग रही है, इस मौसम का फल लग रही है। तो उन्होंने क्या किया देखो, एक चवन्नी फेंक और झोली अपनी फैला कर कुंजड़िनी से बोला, बेचारा जो तू कुछ समझ कर, मतलब ये फल है, ये कुछ इस मौसम का फल है, इसलिए उन्होंने वो एक चवन्नी फेंक के खरीदा है। लाल लाल पतली छीमी हो चीज अगर खाने की तो हमने हमको दो, तोल छिमिया फक्त चार आने की, फक्त चार आने की, अगर ये खाने की कुछ अच्छी चीज है तो हमें तोल मोल के आने के उसका वेट करके चार आने की चीजें हमें दे दो, ऐसे कौन बोल रहा है, ये काबुली बोल रहा है। हाँ वह तो सब खाते हैं कुछ दिन, ईट से बोली और शेर भर लाल मिर्च से भर दी उसकी झोली, और उसके लाल मिर्च उसके झोले में चवन्नी का उन्होंने खरीदे थे, उनका झोली भर के उन्होंने उनको दे दिया। मगर हुआ काबुली फली का सौदा सरजा पाके, लगा चबाने मिर्च बैठकर नदी के किनारे, और वो नदी के किनारे जाके मिर्च खाने लगा, तो उसको क्या होगा, उसका मुंह तो जल गया होगा क्योंकि ये फल इतना मीठा नहीं था, वो मिर्च तो तीखी थी। तो इसमें से आपको बच्चों कौन सी पोएम जो अभी पड़कू की सूझ अच्छी लगी है या मिर्च का मसाला मिर्च का मजा, ये आपको कौन सी अच्छी लगी है, इसके बारे में कुछ सवाल पूछे हैं, कुछ प्रश्न पूछे हैं। देखो दोनों में से कौन सी कविता, दोनों में से कौन सी कविता पढ़कर तुम्हें ज्यादा मजा आया, चाहो तो तीसरी की किताब फिर से देख सकते हो। अभी मैंने आपको कविता वैसे ही पढ़ के दिखाया है, लेकिन अगर आपको तीसरी की बुक फिर से मिली तो फिर से पढ़ो और आपको उसका जवाब देना है कौन सी इसमें से कविता आपको अच्छी लगी है। तो कौन सी, मुझे तो मिर्च का मजा कविता बहुत पसंद आई, आपको जो पसंद है वही आपको लिखना है। देखो तुम्हें काबुली वाला ज्यादा अच्छा लगा या पड़कू या कोई भी अच्छा नहीं लगा, ये भी सवाल है, इसका आंसर मैं ऐसे दे रहा हूँ, मुझे दोनों ही बड़े अच्छे लगे और मजेदार लगे, वो काबुली वाला भी अच्छा था और ये पड़कू और ये कोलू का मालिक है वो, ये सब अच्छा है, यानी कि दोनों पोएम मुझे अच्छी लगी है, यानी कि काबुल वाला भी अच्छा लगा और ये पड़कू भी अच्छा लगा। देखो आपने साथियों को साथ मिलकर एक एक कविता ढूंढे, कविताएं इकट्ठा करे कि एक किताब बनाओ। अभी ये काम बच्चे लोग आपको ही करना है, इसका मैं कुछ आंसर नहीं दूंगा, आपको
बहुत सारी कविताएं मिलेंगी आपको, वो कविता देखनी है। तो कुछ मुहावरे मैं आपको दे रहा हूँ, देखो हाँ, मुहावरे। अकल का दुश्मन, अकल का दुश्मन का मतलब क्या होता है? मूर्ख। मूर्ख को क्या बोलते हैं? चल ये अकल के दुश्मन, चल यहाँ से हट, हम ऐसे सीधे सीधे बात करते हैं। तो अकल का दुश्मन यानी कि मूर्ख, मूर्ख व्यक्ति के बारे में ऐसा कहा गया है। वो उसका वाक्य में कैसा प्रयोग करेंगे हम? मोहन तो नीरा अकल का दुश्मन है, यानी कि मोहन को कुछ अकल नहीं है। तो दूसरा देखो, अकल के घोड़े दौड़ाना, अकल के अपने अकल के घोड़े दौड़ाना, उसका अर्थ क्या होता है? तरह तरह के विचार करना, अलग अलग सोच करना, मतलब एक सोच पे ठीक पे काम नहीं करना, वही काम चालू किया तो बीच में ही दूसरी शक्ल लड़ा के, यानी कि अकल के घोड़े दौड़ाने जैसा है। तो देखो उसका वाक्य में वो प्रयोग कैसे होगा? रोहन हमेशा अकल के घोड़े दौड़ाता रहता है, मतलब उसे एक भी काम ढंग से नहीं आता है। एक काम करना शुरू किया तो बीच में ही अपने दिमाग में दूसरा आइडिया आता है, वो भी दूसरे के दिमाग में घुसा देता है, यानी कि अपने अकल के घोड़े दौड़ाता है। नीचे लिखे शब्दों से वाक्य बनाइए। अभी देखो हाँ, तेज घंटी ये आगे आ रहा है, हम आगे देखेंगे। तो देखो मेहनत के मुहावरे कुछ लिखे हैं हमने, मेहनत के मुहावरे हमें लिखना है। एक मिनट, मेहनत के मुहावरे कैसे है? देखो दिन रात एक करना। अभी दिन रात एक करना का मतलब होता है हमेशा काम में ही लगे रहना, जैसे कि कोलू का बैल कंटिन्यू चलता ही रहा है, अपना काम कर रहा है, तो दिन हो या रात हो अपने काम में ही गड़ जाते हैं, उन्हें बोलते हैं दिन रात काम करना। वार्षिक परीक्षा में अव्वल, वाक्य में प्रयोग कैसा होगा उसका? वार्षिक परीक्षा में अव्वल अंक पाने के लिए आप बच्चे लोग दिन रात पढ़ाई करते हो, यानी कि दिन रात काम करते हो। पसीना बहाना, पसीना बहाना का मतलब मेहनत के मुहावरे है, यानी कि हर मुहावरों में कुछ ना कुछ मेहनत दिख रही है, जैसे कि दिन रात एक करना, वहाँ में भी ज़्यादा मेहनत आती है। पसीना बहाना यानी कि मेहनत ही करना है। तो हमारे देश के किसान खेत में फसल उगाने के लिए हमेशा पसीना बहाते हैं, यानी कि बहुत काम करते हैं खेती में। अच्छा दूसरा देखो, एड़ी चोटी का जोर लगाना। एड़ी चोटी का जोर लगाना मतलब जिद पे अड़े उतरना कि हमें ये करना ही है, जैसे कि वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? इंडिया क्रिकेट टीम मैदान में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करो या मरो इस इरादे से, यानी कि एड़ी चोट का जरूर लगाना, एड़ी चोट की जरूर लगाई थी उन्होंने कि बाजी लगा के ही उतरे थे, हाँ ये होता है। अभी देखो पड़कू, पड़कू का नाम पड़कू। अगला देखो क्या है, कविता की कविताएं से हुआ, मेहनत के मुहावरे हो गए, समझ में आया ना आपको? आपको ये होमवर्क पूरा करना है, तो जल्दबाजी में देखो अच्छी हैंडराइटिंग से पूरा करना है। पड़कू, पड़कू क्या है? जो पढ़ा लिखा हुआ जो इंसान है उसके बारे में कुछ अभी हमें जानना है। पड़कू का नाम पड़कू क्यों पड़ गया होगा? क्योंकि जो लोग जिस काम में रहते हैं वो काम उन्हें मिल जाते हैं। तो तुम्हें क्या पसंद आएगा, ये भी आगे का सवाल है, यानी कि आगे का प्रश्न है। तो पड़कू क्यों नाम पड़ा होगा? क्योंकि वो हमेशा पढ़ता ही रहता था, इसलिए उसे नाम पड़कू लिखा है। देखो को ख, तुम कौन सा काम खूब मन से करना चाहते हो उसके आधार पर उनके लिए भी पड़कू जैसा कोई शब्द सोचो। तो मेरे ख्याल से मैं चित्र निकालने का काम अच्छा समझूंगा, क्योंकि मुझे लोग तभी क्या कहेंगे, चित्रकार कहेंगे। मैं अगर हमेशा चित्र ही निकालता रहूंगा, पेंटिंग करता रहूंगा, तो लोग मुझे क्या कहेंगे, पेंटर कहेंगे या तो चित्रकार कहेंगे। आ रहा है आपके समझ में? तो देखो अपना तरीका, यहाँ पे अपना तरीका लगाना है। हाँ, जब बजती नहीं दौड़कर तनिक पूछ धरता हूँ, पूछ धरता हूँ का मतलब है पूछ पकड़ लेता हूँ। नीचे लिखे वाक्यों को आपने शब्दों में लिखिए। अपने शब्दों में कैसे लिखना है वो मैं आपको नोट्स भेज रहा हूँ। मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम
पाओगे। तो क्या लिखेंगे उसके, मगर शाम तक भी बूंद भर तेल तुम नहीं पाओगे। एक यहाँ पे कैसा लिखा है, मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे, तो नहीं पाओगे। ऐसा आखिर में क्या आता है, मगर बूंद भर तेल भी तुम शाम तक नहीं पाओगे, ऐसा मतलब होता है उसका। बैल हमारा नहीं अभी तक मथिक पढ़ पाया है, मथिक यानी तर्कशास्त्र। तो इसका कैसे लिखेंगे, हमारे बैल ने अभी तक तर्कशास्त्र नहीं पढ़ा है। कैसा लिखना है, हमारे बैल ने अभी तक जो तुम बोल रहे हो वो तर्कशास्त्र नहीं पढ़ा है। उसका कैसा होता है, बैल हमारा नहीं अभी तक मतिक पढ़ पाया है। तो कैसे इसको सुधार के लिखेंगे, हमारा बैल अभी तक तर्कशास्त्र नहीं पढ़ पाया है। सिका बैल को रखा इसने निश्चय कोई ढब है, सिका बैल को रखा इसने निश्चय कोई ढब है। इसका इसके बारे में ऐसा लिखना है, इसने बैल को जरूर कोई तरकीब सिक्का के रखी होगी। इन्होंने अपने बैल को नहीं कोई तरकीब जरूर सिक्का के रखी होगी। जहां न कोई बात वहां भी नई बात गढ़ते थे। तो इसका कैसे लिखेंगे, जहां कोई भी बात नहीं होती वहां भी नई बात बना लेते थे, गढ़ते थे, यानी कि उसका अर्थ होता है बनाते थे। अभी अगर आखिरी है देखो, गढ़ना पड़कू नई नई बातें गढ़ते थे, बताओ ये लोग क्या गढ़ते थे। आपको अभी देखना है ये लोग क्या क्या गढ़ते थे। तो आपके पास बुक है तो अभी ही लिख लो, नहीं तो बाद में लिखो। तो देखो मैं ऐसे ही बता रहा हूं आपको, ढब ढब क्या है, ढब तरीका। ये शब्द अर्थ है सुनर। सुनर क्या करता है, सुनर क्या करता है, सोने के गहने करता है, यानी के ना सोनार गहना करता है, करता है। लोहार क्या करता है, लोहे की चीजें करता है, यानी कि लोहे की चीजें। लोहे की चीजें करता है। ठठेरा यानी कि बर्तन जो बनाते हैं उसे ठठेरा बोलते हैं। तो ठठेरा क्या करता है, बर्तन बनाता है, बर्तन गढ़ता है। कवि, कवि क्या करता है, कवि कविता गढ़ता है। नहीं नहीं अपने दिमाग से कविता गढ़ता है कि कविता बनाता है, कवि कविता बनाता है। आखिरी कुम्हार क्या करता है, देखा है ना तुमने कुम्हार, हम देखने गए थे एक बार, कुम्हार क्या करता है, मिट्टी के बर्तन गढ़ता है, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन गढ़ना यानी बनाना, मिट्टी के बर्तन बर्तन गढ़ता है। लेखक क्या करता है, बताओ बताओ, आपको मालूम होना चाहिए। लेखक क्या कर रहा है, कहानी लिखता है या कोई उपन्यास लिखता है, कहानी गढ़ता है। मैंने आके आगे लिखा नहीं है, इसके आपको आगे लिखना है। तो बच्चों यहाँ पे हम रुकते हैं, इसका नोट्स मैं अभी जरूर भेज दूंगा आपको, होमवर्क कंप्लीट करना है। यहाँ पे ये पड़कू की सूच, ये रामधारी सिंह दिनकर जिन्होंने लिखी हुई पोएम यहाँ पे ख़त्म होती है। इसका होमवर्क भी पूरा हुआ है, मैं आपको सिर्फ नोट्स भेज रहा हूँ, आपको दो दिन में इसका नोट्स लिख के मुझे भेजना है। चलो यहाँ पे रुकते हैं, आपका दिन शुभ गुजरे, धन्यवाद।